हेलो, तो स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल में। मैं थोड़ा एक जगह आया था चीज़ें खरीदने के लिए। मेरे को थोड़ा शूज़ वगैरह लेने हैं, क्योंकि आपको शायद बताया नहीं, मेरे को जॉब लग गई थी। जस्ट ये महीने की 4 तारीख को जॉब लग गई, तो मैं जस्ट आया। दिख रहा होगा आपको, ऐसा दिखता है ये मॉल, छोटा सा मॉल है। देखता हूँ इसके अंदर है तो मैं देख के लेके जाने के लिए सोच रहा हूँ। शूज़ वगैरह, या शूज़ वगैरह अंदर होंगे। यहाँ पे है स्टारबग है, फिर KFC है, दोनों है। ये थोड़ा बाहर है, मस्त समुद्र का किनारा है और अच्छा चलता है। मैं जस्ट आया, मेरे दरअसल शूज़ लेने हैं तो आज निकला। दरअसल नाइट ड्यूटी है मेरी, 12 से लेकर रात को 12 से लेकर सुबह 5-8 बजे तक। तो आठ ये है मॉल, अभी निकला मैं अंदर, सॉरी अंदर जा रहा हूँ। अंदर जाने के बाद शूज़ वगैरह, वहाँ पे एक डू है, डू मतलब इधर का सिम कार्ड है, KFC वादू में है जो आप देख रहे होंगे। तो चल रहा है, मुझे शूज़ लेना है, ऊपर पड़ा है। शूज़ लेने के बाद देखूँगा, अगर इधर है तो शूज़ मिलेगा तो लूँगा। शूज़ लेने के लिए मतलब जूते, हाँ जूते लेने के लिए आया था। देखता हूँ मिलता है कि नहीं, मिलेगा तो पीछे ही है, आप देख रहे होंगे। मैं उधर जा रहा हूँ, उधर लेने के बाद कर लेता जो भी है। देखो ये है, बहुत बड़ा है, देखने लायक है, देख सकते हैं। छोटा सा एक मतलब जैसे अपने यहाँ होता ना छोटा छोटा मॉल, मॉल नहीं है दरअसल, एक दुकानें हैं। हाँ पसंद आया ही नहीं, मैं लेने बैठा मुझे पसंद नहीं आया तो मैं जस्ट देख के अभी निकल रहा हूँ। ऐसा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है मतलब बहुत बड़ा है यार। कपड़े की दुकानें हैं, सारी चीज़ें हैं। पसंद नहीं आया, जैसे चाहिए वैसे ही कपड़े नहीं थे तो इसीलिए पसंद नहीं आया। अभी दूसरे मॉल में जा रहा हूँ, बहुत बड़ा है वो, तो जाके मेरे को शूज़ लेने, क्योंकि मुझे है ना फॉर्मल शूज़ नहीं पहन सकता 8 घंटे, क्योंकि मेरा जो जॉब है वो फार्मेसी में है। फार्मेसी में जॉब है तो लाइक प्रॉब्लम होता है, कंटिन्यू पहनना बहुत दुखता है यार, पैरों दुखने लगते हैं, पैर दुखने लगते हैं और पैर छिल भी गए थे। आज मैं सोचा कि जाके बाहर से कहीं से एक वो लेके आता, क्या बोलते हैं जैसे बोला ना, शूज़ नया ले लेते, मोजे चेंज कर देते। तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ें चल रही है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ऐसा है, अभी जाना है मेरे को। और गुजराती गुजराती पब्लिक माटे स्वागत करी छू अर्धा वीडियो में, तमने बधाने स्वागत छे मारा चैनल में। हूँ पण मजा में, हूँ दुबई में छू, तो आना दिवसों में पण गुजराती में वीडियो बनावशू। केम कि बहु मोटू छे, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी को डिस्टर्ब करना या किसी को बोलना। ऐसा है तो शू करी हवे, तमने जोवा माटे हूँ आम करी सको कि आवड़ू मोटू है, देखाणू। हाँ देखाणू, इतना बड़ा है। तो ऐसा है, अभी यहाँ से मेरे को जाना है शारजा सिटी, अजमान सिटी सेंटर। अजमान सिटी सेंटर जाने के लिए मुझे टैक्सी लेनी पड़ती। मैं टैक्सी में आपको सबका वीडियो बताता, मैं बताता वीडियो बनाने के टाइम। और देखते हैं, ये बहुत अच्छा एक चीज़ है यार, मैंने दिखाना भूल गया कि बच्चों का पार्क है यहाँ पे। बहुत मुश्किल है लेडीज़ का वीडियो बनाना, बहुत मुश्किल है, नहीं बना सकता। अपने इंडिया में किसी को भी कोई भी आ जाता चलता है नहीं। तो मैंने वो गई तो इसके बाद मैंने दिखाया कितना बड़ा है। तो ऐसा चल रहा है, ओके। तो ऐसा है, ये मेरा सेकेंड वीडियो होगा। मुझे कुछ गलत हो तो कमेंट में बोला करो, क्योंकि आइडिया नहीं है यार, अभी बनाया नहीं ना, प्रॉब्लम है। 20 रुपया नहीं दे सकता मैं, क्योंकि 20 रुपया अपने पास, 20 रुपया मतलब बहुत महंगा है मेरे लिए। तो बस आएगी, बस अभी लेके जाएंगे हम लोग, बस मैं ही हूँ, कोई है नहीं, बस में ही जाऊँगा। बस वो 5 रुपये में पहुँचा देती, वहाँ पे 1 घंटा रुकना पड़ता, वो अलग सीन है। बट ठीक है, घर पर जाकर करना भी क्या है, कुछ काम नहीं है। शाम को रात को ड्यूटी है, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक है ड्यूटी। तो ऐसा चल रहा है, अब सोच रहा हूँ रेगुलर वीडियो बेसिस पे वीडियो डालना चालू करूँ। तो देखते हैं कैसा रहेगा ये वीडियो, कितना मिनट का होता, कितना सेकंड का होगा मालूम नहीं, पर जो भी है अच्छा रहे ऐसी आशा रखते हैं।
आपको बोल रहा था ना, यहाँ पे जो ये डू और क्या लारी एक्सचेंज और किंग क्या है, किंग कुछ ऐसा कुछ लिखा है काली वाली, तो ऐसा है बस ऐसी मोस्टली होती है। और मेरा मगर बगर मगर क्या था, मगर अजमान में मैं रहता हूँ, तो अजमान में अजमान के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। पहला तो मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो तो बहुत अच्छा है, सेकंड कि अजमान की सिटी बहुत अच्छी है, तो अजमान के बारे में बहुत अच्छी वीडियो मैंने बना के रखी है इसके पिछली वाली वीडियो में, आप पिछली वाली जाके वीडियो देखो तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कितने यूएई में कितने राज्य हैं, कितनी सिटियाँ हैं, ये सारे बात पर डिटेल में वीडियो बना के आपको बना के रखा है, आप देखिए। और आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊँगा कि कैसा दिखता है अजमान, कैसा है अजमान, और क्या बोलते हैं कैसा है फुजेरा, कैसा है रसल केमा, कैसा है शारजा, कैसा है अबू धाबी, कैसा है अपना दुबई, दुबई के बारे में तो सबको पता ही है। तो ऐसा है, ऐसा चल रहा है, देखते हैं। ऐसा है, पहुंच गए अपन शारजा में, उतरना है सॉरी अजमान में, अजमान में उतर के ये हमारी बस थी जहाँ उतरना है, जहाँ पर मैं उतरा बस छोड़ रहा हूँ, अभी जाना है मेरे को यहाँ पे। अब ये जाने का रास्ता कैसे है हमको नहीं मालूम, इधर जाना है अपने क्या बोलते हैं यहाँ पे जाना है, वो जहाँ पे बस स्टैंड छोड़ी वहाँ पे बंदा बैठा है, वो है बस स्टैंड, इधर का छोटा सा बस स्टैंड होता है, मतलब वो स्टेशन होता है, अपने इंडिया में नहीं है कहीं भी बस खड़ी हो जाती उतर जाओ, नहीं ऐसा मुझे लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता है, अपने यहाँ बड़े से जो लोकल बस होती है वो खड़ी होती है, मगर वो जो प्राइवेट बसें होती है वो कहीं भी खड़ी हो जाती है ना, वैसा वाला नहीं है यहाँ पे, पूरे रूल्स और रेगुलेशन है, कहीं भी खड़ा नहीं हो सकती गाड़ी, और खड़े हो तो ड्राइवर को फाइन है, तो यहाँ पे भी रूल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, यहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छे अच्छे हैं। और मैं अभी बस पे उतर के जा रहा हूँ चल के, क्योंकि क्रॉस करना पड़ता ना, क्रॉस ये रोड हाईवे है, क्रॉस किए तो सिर्फ कितना आप देखा जाए तो देख लो, एक दो तीन चार पाँच, एक साइड खाली पांच रोड है सिर्फ जाने के लिए, आने के लिए उधर से दूसरा जाने के लिए रोड, सॉरी जाने आने के लिए और जाने के लिए पाँच दस रोड है, दस रोड मतलब कितने अच्छी स्पीड हो गई सोच लो, ये 60 की स्पीड है, 60 और 70 की स्पीड पे चल सकते, इससे ज़्यादा चले तो फाइन आता। तो ये सारी बातें हैं, अजमान में भी ऐसा सब जगह एक ही जैसा कानून होता है, तो मुझे जाना है उधर, मगर मुझे रोड उधर क्रॉस करके जाना पड़ता, रोड क्रॉस करना पड़ता, रोड क्रॉस करके ही जा सकते, वैसा ऐसा गए तो मिनिमम 4000 दरम का फाइन है, ऐसे तो 500 दरम का है, बट ये ऐसे रिक्सी वाले रोड पे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा है, नॉर्मल 400 दरम का फाइन है ही, पर दूसरा सुनने में आता कि अलग से भी फाइन आता, आइडिया नहीं है, बट 400 दरम फाइन है, कम से कम 400 दरम फाइन है। तो ऐसा है, ओ भाई मैं जहाँ जा रहा हूँ बाजू से क्रॉस हो रहा हूँ, अजमान पुलिस सेंटर है, वीडियो नहीं दिखा सकता, बट मैं मेरे ऑपोजिट में है, मैं ये है ना बिल्डिंग थोड़ा ही दिखाया, क्योंकि यहाँ पे अजमान पुलिस जी एच क्यू का मतलब मुझे नहीं मालूम है। तो ऐसा है, तो मैं अभी इधर से क्रॉस होऊंगा धीरे धीरे, सब जगह कैमरे है देख लो, जो मेरे बैक साइड पे है ना कैमरा जा रहा है, कैमरे से मैं मतलब क्रॉस हुआ, मतलब हर चीज़ की मूवमेंट आपकी रखी जाती है, आप वीडियो भी अपलोड करते हो तो कैसी वीडियो है तो ही आप जा सकते हो, वरना पहले तो बहुत नियम है यहाँ पे, सिक्योरिटी बहुत है ना, सिक्योरिटी बोल सकते हैं या सिक्योर पता नहीं, बताना मुझे अगर मुझे गलत हो तो, मतलब बहुत सिक्योर है यहाँ पे, लड़कियाँ आपको 12, 2, 3, 4, 5 पूरी नाइट भी घूम सको,
कोई इशू नहीं है, टैक्सी में जा सकते हो, कहीं भी कोई इशू नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। ऐसा चल रहा है, ये मैंने क्रॉस कर लिए क्योंकि वीडियो बनाते समय क्रॉस करना अच्छा नहीं है, ऊपर नीचे हो जाए तो मुश्किल है ना, इसलिए ब्रिज के नीचे हूँ, ब्रिज के नीचे से क्रॉस हो रहा हूँ। इसको कौन सा ब्रिज बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम, मगर मैं इन फ्यूचर कभी आना जाना हुआ तो मैं इसका डिटेल लेके आपको पूरा बताऊँगा। सही है, जो सिग्नल होते हैं जो क्रॉस किया करना पड़ता है, जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग से अपन जाएंगे चल के, देखते हैं, दबाना नहीं पड़ता है ना। हाँ खुल गया, ये खुल गया है, जाना है, देखो दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, खुल गया है, अपन को जाना है। मुझे नहीं मालूम बट एज अ कानून मैं इस बार टैक्सी वाले से मिला था, टैक्सी वाला बोल रहा था कि भाई तुम अगर रोड पे क्रॉस हो रहे हो बिना जेब्रा का, अगर किसी ने उड़ा दिया तो ख़त्म, तुम्हारा फोल्ड है कंपनी का नहीं, सॉरी गाड़ी का नहीं, तो बहुत संभाल के चलना, क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। चलो ठीक है, मैं पहुंच गया, उसका बैकग्राउंड का अपोजिट का वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैंने रोड क्रॉस कर लिए थे, रोड कस के आधे आ गया था, तो ये है सिटी सेंटर जो अजमान का बहुत फेमस है, और मैं इधर जा रहा हूँ, इधर से एंट्री ले रहा हूँ, यहाँ से गेट है, एंट्री गेट है, ऑटोमेटिक खुल जाता, साइंस से क्या बोलते हैं यार, सेंसर लगे होते हैं। सही है, अभी मैं कैमरा को घुमाऊंगा, अपन कैमरा से बात करेंगे। एंटर हो गया, मैं पहुंच गया मॉल के अंदर, अभी शूज़ का देखना है, शूज़ कहाँ पे मिलते हैं, एक मिनट मैं इधर देख लूँ। तो अभी शूज़ के लिए और दो तीन जगह जाना पड़ता है, देखते हैं क्या होता है, पैसा है। अभी दिमाग ख़राब हुआ, कंपनी का फ़ोन आया कि भाई ड्यूटी पे आओ, घंटा एक घंटे पहले मैं नहीं जाऊँगा, नहीं भली भली मुझे पसंद नहीं आ रहा, बट पहनने लायक देखते हैं। मैं आया था कपड़े लेने, जूते लेने के लिए, कंपनी का फ़ोन आ गया कि भाई हम लोग, हम जिस हम डिपार्टमेंट में रहते हैं ना, वो डिपार्टमेंट कैसा है कि कभी भी मतलब ऑन कॉल रहना पड़ता है, कभी बुला सकते हैं, ऐसा वाला सीन है। अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, मैं एक घंटे का मांगा, मुझे एक घंटा लगेगा, मैं शारजा में हूँ, कली वली देखेंगे, क्योंकि यार आई नीड, कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने को करना है, और ये लोग अपने सस्ते नशे की वजह से दिमाग ख़राब करते हैं। तो ऐसा है, तो देखते हैं जहाँ पे पहले चेक किया था वहीं पे, इधर भी देख लेते, देखते हैं क्या करते हैं, अभी जाना तो है, जाना तो पड़ेगा ही। तो ऐसा है, जाकर शूज़ उठाना है जहाँ पे देखा था वहीं पे देखते हैं, कुछ डिस्काउंट है तो उठाता, वरना वापस घर पे जाता, अभी क्या कर सकते हैं, इतना महंगा तो लेने की अपनी फ़िलहाल के लिए बजट के बाहर है, बजट के बहुत बाहर है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी अलविदा लेते हैं इस मॉल से घर पे जाने के लिए, फिर घर पे आपको वीडियो मिलती है आज का वीडियो के लिए। चलो ठीक है, जी देखते हैं इसके अंदर जाके कुछ ऑफ़र है तो लेके जाते हैं, बहुत अच्छा ऑफ़र होगा तो उठाएंगे और लेके जाएंगे। अभी मैं वहाँ से निकल गया, शूज़ नहीं लिया, कैरीफर छोड़ दिया है, कच्चे में से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समझ में आ रहा है ना छुट्टे के नहीं है, तो मेरे को वहाँ से जाके वापस बस पकड़ना पड़ता, टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है, तो कच्चे में से जा रहे हैं, कच्चे में है, कच्चा मतलब बिना उसका रोड होता है, तो ऐसा चल के आ रहा था, मैं बोला चलो वीडियो बना देता ऐसा करके, आधा ख़त्म कर दिया था, आधा बाकी है, तो आधा जाके मैं आपको क्या बोलते उधर जाके मैं बताता आपको क्या हुआ आज मेरे साथ, जिसकी वजह से मेरे को ऐसा लेना पड़ा। ठीक है, अभी क्रॉस करके मैं इधर आ गया, इधर से मैं वापस रोड पे जाऊँगा, रोड से आता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है, बस आएगा तो बस है, टैक्सी जो मिले जाना है, उस पार होने के बाद डायरेक्ट घर पे, घर पे नहीं, डायरेक्ट यूनिफॉर्म लेंगे कंपनी से, यूनिफॉर्म लेने के बाद आ जाएंगे। तो यहाँ से अभी चल के जा रहा हूँ, चल के जाना है, चल के जाके वापस बस मिले तो बस या टैक्सी लेके जाना है मुझे, बहुत बिजी हूँ, चल रहा है, अभी शाम हो गई है भाई लोग, और मैं थक भी गया हूँ,
मुझे ड्यूटी पे भी जाना है, मैंने सोया भी नहीं हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। देखते हैं, ऐसा चल रहा है और बंदे नहीं आए हैं, इसके वजह से क्या है कैसा है मालूम नहीं, ऐसी ड्यूटी दी गई है मेरे को, देखते हैं। और टैक्सी पकड़ के जाना पड़ेगा, टैक्सी लेके आते हैं, टैक्सी लेके जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा है। सही है, मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं भूल गया था। तो ये भाई है हमारे साहब जिनके साथ हम बैठ के जा रहे हैं हॉस्पिटल में, पंचिंग करना है क्योंकि आज लेट हो गया है, तो थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। और शूज़ नहीं ले पाया, शूज़ के लिए गया था, शूज़ नहीं ले पाया क्योंकि टाइम नहीं था, इसके वजह से कल देखते हैं, कल लेते हैं शूज़, कल लेने जाएंगे। सही है, अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। आप भाई साहब का नाम क्या है आपका? मोहम्मद नाम है, मोहम्मद भाई साहब पाकिस्तान से है और अपन इंडिया से जा रहे हैं। और भाई साहब अपने को सिक्योर के तरीके से सोएंगे, छोड़ेंगे, छोड़ना और मेरा हिंदी थोड़ा समझ सकते हो, गुजराती हूँ तो होता है ऐसा। और चलो ठीक है, घूमते हैं। सही है, तो मेरा जॉब ख़त्म हुआ, मैं अभी यहाँ के आजमान का टाइम मतलब यूएई का टाइम है 2 बजे, जॉब ख़त्म हुआ। अभी ये वीडियो को हम रखते हैं, ये वीडियो ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं। ओके, कल दूसरे वीडियो मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, टेक केयर। देखिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा मेरे को भी। कुछ चीज़ें नहीं दिख रही होगी, हाँ यहाँ पे सही लग रहा है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सही लग रहा है, कितना चिकना दिख रहा हूँ मैं बट है ऐसा। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट, ख्याल रखिए अपना।